तक रहुआ देखनी। महाबली रावण अपन शक्ति के दुरुपयोग कई के नवग्रहण के बंदी बना लेवेला, जेकर प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़े। तबे रावण के दृष्टि शिवलिंग के पूजा करत देवी पर पड़ेला, जेके देख उ मंत्र मुग्ध हो जाला। के बियाई कोकिल से भी अधिक मीठा स्वर के साम्राज्ञी, ऐसन विदुषी और हमार आराध्य शिव के परम भक्त स्त्री से मिलने बिना आगे बढ़ जाए, ओकर भक्ति के अपमान होखे। और उनसे विवाह करे के कहेला, किंतु देवी ओकरा समक्ष ई प्रस्ताव रखेला। काहे कि ई शिवलिंग लेके रउआ नंगे पैर धरती के मार्ग से होके लंका जाए के होखी। यदि रउआ शिवलिंग के रखनी तो रउआ न केवल हमसे विवाह करे के विचार त्यागे के होखी, बल्कि बंदी बनावल सब नवग्रह के मुक्त करे के होखी। रावण देवी के प्रस्ताव मान लेला और शिवलिंग के उठाए। अब आगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। अब रउआ के लंका ले जाए से हमके केहू ना रोक सकेला। दुगलाल तन विकराल बाहु विशाल उन्नत भाग है, विद्रूप विद्वंसक मति मधुमत गज सी चाल है, करे अट्टहास विनाशकारी जय ज्योति चल का धन कंपित हुए डूबा जगत में शोक में, निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है, निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है, निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है, दुगलाल तन विकराल बाहु विशाल उन्नत भाल है, विद्रूप विद्वंसक मति मत्मत गज सी चाल है, निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है, निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है। यदि और अनुमति होखे तो यात्रा आरंभ करें। रुक जा लंकेश, देवी के संगे हम भी चलब। कारण? काहे कि हम देवी के रक्षक बानी और सेवक भी, यदि मार्ग में कोनो आवश्यकता पड़ल तो। सेवक जेकरा संगे स्वयं तीनों लोक के अधिपति होखे, ओके तोहार का आवश्यकता बा? रावण, तू ही भूल रहल बाड़ा कि जब तक ई शिवलिंग तू लंका में स्थापित नहीं कर देत, तब तक तोहार देवी के संगे कोनो संबंध नहीं खे। बैजनाथ उचित कह रहल बाड़े लंकेश, हमार रक्षा और सेवा के उत्तरदायित्व इन करेबा, एही से ई हमनी के संगे चली हैं। रावण, अब हम भी देखत बानी कि तू शिवलिंग के कौना प्रकार लंका ले जात बाड़ा। लंकापति रावण तीनों लोक के अधिपति और शिवलिंग उठौरे नंगा पांव चल रहा बाड़े, सत्य कहले बा केहू कि प्रेम पावे खातिर का ना करे। महाराज संभल के, ऐसन प्रतीत हो रहा बा कि रउआ जीवन में पहला बेर नंगे पांव यात्रा कर रहा बानी। यदि रउआ थक गई बानी था लाई शिवलिंग हमके दे दी, कहीं ऐसा ना हो कि रउआ हाथ से छूट के इन्हें स्थापित हो जाए। लंकेश, रउआ कृपया हमार सेवक के बात के बुरा ना माने। सेवक, संसार में ऐसा कोनो कार्य नहीं खे जेके लंकेश ना कर सके। लंकेश,
ये यात्रा में तुहार ये अहंकार के ही तोड़े के होगी, किंतु हमरा लगे केवल संध्या होके तक के ही समय बा, और ए में 4 घड़ी रह गई बा। ओसे पहले ही हमके ई शिवलिंग तुहसे धरती पर रखवावे के होगी, अन्यथा संसार भी संकट में पड़ जाई और हम माता के रक्षक होके के धर्म भी ना निभा पाई। शकुंतला, तोहके कुछ ना होकी। ऐसन प्रतीत होखत बा कि ऋषिवर के लगे भी ये समस्या के कोनो समाधान नहीं खे। आपका बस एक ही मार्ग बा, हमनी के माता के बैजनाथ शक्तिपीठ चल के माता से प्रार्थना करे के चाहिए। वो यहाँ से बस कुछ ही कोस के दूरी पर बा, कहल जाला कि वहाँ माता के हृदय स्थित बा, वो हमनी का पुकार अवश्य सुनी है। चली 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 चली। रावण, चाहे हमके कुछ भी करे के पड़े, परंतु हम तुमके ये शिवलिंग के धरती पर रखे खातिर विवश करते, काहे कि केवल तबे नवग्रह और शक्तिपीठ पर आई संकट टल सकेला। शिवलिंग के ना पकड़ सकेला और हम अपन प्रभु के पृथ्वी पर गिरत ना देख सकेनी, हमके शिवलिंग के गिरे से बचावे के ही होगी। तो देवी के रक्षक वाले, यही से उनकर प्रभु के संकट से बचावे के कर्तव्य भी हमार ही बा। तो से अधिक शिव के चिंता हम के बा, कहे कि अनन्य भक्त बानी हम उनकर, किंतु ई भईल कैसे के हम के गिरावे के दुस्साहस कैला। महाराज लंकेश, भला ऐसन दुस्साहस के कर सकेला, बस राउर पैर ओ लता में उलझ। जैसे कैलाश के नीचे तुहार अहंकार दब गई रहल, वही प्रकार ये पर्वत के नीचे आके तुहार प्रतिज्ञा भी खंड खंड हो जाए। अब तो के ये शिवलिंग के धरती पर रखे से केहू ना रोक सकेला रावण, स्वयं तू भी ना। Oh,
देवी, राउर योजना सफल हो गई। अहंकारी रावण के अहंकार खंड खंड हो गए। अब तक ये के सब ग्रह नक्षत्र मुक्त करे के ही होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। निर्भय निरंकुश ये निशाचर हम। हमार दास बाड़न, मेरी छोटा सा पर्वत हमार का अहित कर सकेला। लंकेश, रउआ सुरक्षित देख के हमके बहुत ही प्रसन्नता हो रहा बा। हमके तो लागल की शिवलिंग रउआ हाथ से छूट गई होगी और हमनी यहाँ से आश्रम वापस लौटे के होगी। चिंता मत करा बैजनाथ, आश्रम में तोहार रहे के दिन अब समाप्त भई। अब तू स्वर्ण नगरी लंका में रहबा। चली देवी, मार्ग भी बहुत शेष बा। ऐसन छोट संकट रावण के कोनो अहित ना कर सकेले। हमके ओकरा समक्ष कोनो बड़ा समस्या खड़ा करे के होगी। परंतु ऐसन के बात जे हमारे कार्य में हमार सहायता कर सके। हे प्रभु, आज संसार पर इतना बड़ा संकट आइल बा, रउआ फिर भी मौन बानी। प्रभु देवलोक, ये सृष्टि में जौन भी घटना घटित होखेले ओकरा पीछे एको उद्देश्य होखेला। हम नियति के साथी तो बन सके नहीं, परंतु ओमे कारण हस्तक्षेप ना कर सके नहीं। रउआ सब भैरव पर विश्वास रखी, वो शक्ति पीठ के रक्षक बाड़े, साक्षात रुद्र के अंश। वो अवश्य ऐसा कोनो मार्ग निकली है जैसे अहंकारी रावण के पराजित होके के ही होई। लंकेश, का बात बा, रवा बड़ा चिंतित प्रतीत हो रहल बानी। कहीं ऐसन त ना कि रवा थक गई नी और विश्राम करे खातिर जगह ढूंढ रहल बानी। देवी, प्रेम में विश्राम कहाँ। अब तो जब तक रवा के अपन जीवन संगनी नहीं खे बना ले, विश्राम ना करा। किंतु हमके ही समझ नहीं खे आ रहल कि रउआ संगे रहे वाला राउर सेवक कहाँ चल गए। माता, माता, हम रउआ खातिर कुछ फल लेके आयल बानी वन से। ओ, तो तू ये कार्य करे गए रहला। हाँ लंकेश, हम जोन कार्य करे गए रहनी वो पूर्ण गई नहीं। अब रउआ के तो भूख प्यास लागेला ना, एकर अर्थ ही तो नहीं है कि दूसरा के भी भूख प्यास ना लगेला। माता, बहुत लंबा यात्रा बा, कुछ देर यहाँ ठहर के भोजन कर ली। तू ठीक कहत बाड़ा बैजनाथ, बिना भोजन कैले अब हमसे एक पग भी ना चलल जाए। किंतु देवी, हम शिवलिंग के संग एक स्थान पर खड़ा ना रह सके नी। हमनी के पहले लंका पहुंचे के होखी। लंकेश, प्रेम के अर्थ केवल विवाह ही ना होखेला, प्रेम के अर्थ होखेला ध्यान रखल। अब प्रेम कैले बानी त इतना तपस्या त करही के होखी लंकापति। हाँ लंकेश, माता तो भोजन करी है, अब रउआ रुके के बात रुकी, जाए के बात। इत
तीर। अभी कौन नया संकट बा? माता, ये स्थान रउआ खातिर सुरक्षित नहीं खे। रउआ आई वो कंदरा में छुप जाए। आई अभी कुबेर के बा हमार सौतेला भाई और हमार शत्रु तो महादेव भक्त अवघर सत्य कहले रहल कि हमार विरुद्ध युद्ध के तैयारी कर रहल बा। लंकेश, आज राउर व्यक्तिगत शत्रुता के कारण माता के जीवन संकट में आ गई बा। चिंता मत करो सेवक, तुहार माता के कुछ ना होगी। कुबेर नाम के मक्खी के मसले में एक पल ना लगी हमरा के। रावण, एक दिन सबके अपन कर्म के फल मिलेला। तू हमरा संगे छल करके हमार सब कुछ छीन के बहुत बड़ भूल कैले रहला। रावण, आज हम तोके तोहार कर्म के फल देब। कुबेर, भूल ते कैले रहनी हम कि तोके जीवित छोड़ देले रहनी, किंतु आज हम अपन भूल सुधार दे। भूल तो तू तब सुधरबा रावण जब तू जीवित रहबा। लंकेश, शिवलिंग के यहाँ पर छोड़ी और हमनी के संगे कंदरा में चली। लंकेश, जदी जीवन रहल ता संसार में सुंदर स्त्री के कोनो कमी नहीं खे। लाई ये शिवलिंग हमके दे दी और आपन रक्षा करी। ओकर कोनो आवश्यकता नहीं खे, तो जाके देवी के ध्यान रखा। एक कुबेर के हम देखा था नहीं। बेर, आज तुहार मरल निश्चित बा। बैजनाथ, ई रावण ता अपन हट छोड़े खातिर तैयार ही नहीं खे। यक्षराज, ए समय परिस्थिति राउर पक्ष में बा। रावण के दोनों हाथ में शिवलिंग बा, यही से उराउर और सामना ना कर पाए। रावण के पराजित करे के इससे सुनहरा अवसर हमके कबहू ना मिली। कुछ भी हो जाए देवी, आज त रावण के ई शिवलिंग नीचे रखे के ही होगी। रावण, तू छल से हमार सब कुछ छीन लेला। आज हम तोके जीवित ना छोड़ा। अच्छा भइल तू यहाँ स्वयं आ गईला कुबेर, ना त हम स्वयं तुहार वध करे खातिर तुहार लगे आवत रहनी। बैजनाथ, तोहर सब प्रयास विफल हो रहल बा। कदापि रावण के सामना केहू ना कर सकेला। कहीं ऐसन तो नहीं खे कि चली देवी, अब हमनी के सामने कौनो बाधा ना आई। किंतु ये कुबेर कहाँ गईल? और कहाँ जाए कुबेर लोक के अतिरिक्त? अब कबो वापस ना आई हमरा से युद्ध करे।
और आयल भी तो जीवित वापस ना जाई। चली देवी, आज हमके शिवलिंग के लंका पहुंचावे से और रउआ के आपन बनावे से केहू ना रोक पाए। चली सूर्यदेव, अब ये मरुस्थल में रउए हमनी के सहायता कर सकेनी। अपना तेज के इतना बढ़ा दी कि रावण के शिवलिंग रखे पर मजबूर होके के पड़े। भैरव, ऐसा नहीं होगी। हमने राउर ए यात्रा में हरपल रउआ संगे बानी। बहुत गर्मी बा। हमके नइखे लागत के शिवलिंग के संगे हमनी आगे बढ़ भी पाई। काहे कि शिवलिंग से बहुत अधिक ताप निकलेला। लंकेश, हमार बात मानी, ए शिवलिंग के यहे रख दी। कनो ताप, तेज और संकट हमके शिवलिंग के लंका ले जाए से ना रोक सकेला। ए हमरा के का हो रहल बा? महाराज, रउआ ठीक तो बानी? रावण के का हो सकेला? जदी रउआ ठीक बानी तो फिर राउर चाल इतना धीमा काहे हो गई बा? कुछ ना, बस तनी प्यास लागल बा। हम तो पहले ही कहले रानी, इतना लंबा मरुस्थल, ऊपर से हाथ में शिवलिंग, हम पहले ही कहले रानी कि शिवलिंग के नीचे रख। ना महाराज, जदि रउआ के शिवलिंग नीचे नहीं खे रखे के तो कोनो बात ना, परंतु यहाँ ए मरुस्थल में अब जल कहाँ मिली? कुछ भी करा, कहीं से भी लेके आवा जल। लंकेश, जल जल कहला से जल स्वयं त ना आ जाई। रउआ शीघ्रता करी, कहीं ऐसा ना होखे कि हमनी ये मरुस्थल से आगे कहीं जा ही ना पाई। किंतु अब बिना जल के हमसे एक पग भी ना चलल जाए। जल लावा। ग्वाला, ए ग्वाला, तोरा लगे जल बाका? जल हमरा लगे?
जी हाँ, जल तबाह हमरा लगे, परंतु रउआ तो इतना बड़ा राजा दिख रहा बानी, हमरा जैसन साधारण ग्वाला के जल काहे पिए रउआ? ग्वाला प्यास राजा और रंग के भेद ना जाने ले, जल्दी जल दा हमके। जी परंतु हमरा लगे तो तनी सा ही जल, बाकी के जल तो हम पी चुकल बा। जल्दी जल दा हमके, जौन बा उहे लावा, जल्दी जल दा हमके। परंतु रवा जल पियब कैसे? लाई शिवलिंग हमके दे दी, हम पकड़ लेत बानी। शिवलिंग नाना, कहीं तू के नीचे रख देला था? महाराज ग्वाला बानी हम, मूर्ख ना, जौन शिवलिंग के माथा पर लगावे के चाही भला हम ओके नीचे काहे रखत? महाराज विश्वास करी, राउर शिवलिंग के कुछ ना होगी, लाई दी हमके, अन्यथा रुआ जल ना पी पाई। संसार के नदी, हे गंगा यमुना सरस्वती, हमार रउआ सबसे प्रार्थना बा कि रउआ सब आज कलश में समा जाए, काहे कि यह एगो मार्ग बा रावण के रोके के। कितना प्यास लागल रहे आज हमके। महाराज कितना जल पी अब, संभाली ये शिवलिंग के, ई नीचे जा रहल बा। का कर रहल बाड़ा मूर्ख, लावा शिवलिंग हमके दा। जीवन में पहला बार आज इतना जल पियनी, किंतु ही समझ ना आयल कि तुहारे छोट मटका में इतना जल आयल कहां से। महाराज जब प्यास लागल होखे ना ते वो बूंद भी नदी समान ही लागेला। माता, जौन जल आज रावण पियले बा वो है ओकर रुके के कारण बनी। महाराज हम सब जगह ढूंढनी परंतु हमके जल कहीं ना मिलल। जल हमरा भाग्य में रहे मिल गयल, वैसे ही देवी भी हमरा भाग्य में बाड़ी मिल जइहन। तो चला महाराज, जदि रउआ जल पी ले ले बानी तब फिर रउआ इतना चिंतित काहे दिखाई दे रहा है बानी? रउआ ठीक त बानी? ठीक त बानी, किंतु किंतु का महाराज? जदि कोनो समस्या बात हमसे कह सके नी रउआ? लागता हम कुछ अधिक जल पी लेनी, यही से हमके लघु शंका लग रहल बा। लघु शंका?
महाराज लघु शंका तो कोनो समस्या ही नहीं थे, हमने लघु शंका रोक के लंका तक जा ही सके नहीं। बाना महाराज ना चल सके नहीं, हम ना चल सके नहीं, तभी लघु समस्या ना बहुत ही बड़ समस्या बा। महाराज अब का करब? महाराज एगो काम हो सकेला, रउआ ये शिवलिंग हमके दे दी और रउआ वहां जाके लघु शंका कर ली। ठीक बा, किंतु तू हमार दृष्टि के सामने ही रहबा और जदी तू एके नीचे रखला तो हम तोके जीवित ना छोड़ा। महाराज हमके जीवित रहे के बा और देवी के सेवा करे के बा, रउआ चिंता मत करी, रउआ जाई और लघु शंका करी लाई। शिवलिंग हम के था। शिव 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 शिव। महाराज का रउआ हमसे पाप करवावे के चाहता नहीं? पाप? कैसन पाप? लघु शंका के कारण अपवित्र हो गईल बानी रउआ, और एगो अपवित्र व्यक्ति के हाथ में हमी पवित्र शिवलिंग कैसे दे सके नहीं? माता रउए कुछ बोली ना लंकेश के। हाँ लंकेश, बैजनाथ उचित कर रहल बाड़े, पहले रउआ स्नान करके पवित्र होके के हुई, केवल ओकरा बाद ही रउआ शिवलिंग के ले सकेली। किंतु परंतु कुछ ना महाराज, जब तक रउआ स्नान न करब तब तक रउआ ई पवित्र शिवलिंग ना मिली, हमके पाप के भागी नहीं बने के महाराज। ठीक बा, अगर तू लोग के ये इच्छा बा तो हम ही करब, किंतु ध्यान रहे। पूरा ध्यान बा महाराज कि जब तक रउआ स्नान नहीं कर ले तब तक हमें शिवलिंग नीचे ना रखा, और स्नान करत समय भी राउर दृष्टि हम पर ही रही। अब रउआ जाई स्नान करे। पता ना आगे का होखे वाला बा, बैजनाथ अपन युक्ति में सफल हो पाई है अथवा ना। सेवक यही खड़ा रहिया हमार आँख के सामने। जौन आज्ञा महाराज, किंतु महाराज तनिक शीघ्रता करी, बहुत ही भारी शिवलिंग बा, पता ना कब तक संभाल पाई बेके। यदि तू गलती से शिवलिंग के धरती पर रखला तो तोके तोहार जीवन भारी पड़ी। रउआ देर मत करी महाराज, स्नान करी। माता शिवलिंग रखे के ऐसे उचित अवसर हमके ना मिली, किंतु हम ही तब तक ना कर सके नहीं जब तक कि रावण की दृष्टि हमरा पर बा। अब हमके ये शिवलिंग के नीचे रखे से केहू ना रोक सकेला। नीचे रख के हला, सेवक हम तोरा के जीवित ना छोड़ा। लंकेश का भइल? रहुआ केहू के ढूंढ रहल बानी। तोहार सेवक के उस शिवलिंग के धरती पर रख देलास,
सेवक। लंकेश, एकर अर्थ ई भइल कि अब हम रउआ संगे आगे ना जा सकेनी। हम रउआ से पहले ही कहले रहनी, यदि रउआ शिवलिंग के धरती पर रखनी तो ऊ उहे स्थापित हो जाई, और बिना शिवलिंग के हम राव नगरी लंका ना आ पाई। ना, ऐसा ना हो सकेला। हम शिवलिंग के लंका ले जाके ही रहा। लंकेश, रउआ हमके वचन देले रहनी कि यदि रउआ शिवलिंग के लंका ना ले जा सकेनी तो रउआ सब नवग्रह के मुक्त कर देब। अपना वचन के पूर्ण करी और सब नवग्रह के मुक्त कर दी। हमके उनके मुक्त करे के कोनो आवश्यकता नहीं है देवी, काहे कि वचन टूटते वो स्वयं मुक्त हो जाइहन। काहे कि वचन देत समय हम उनके ऐसे अभिमंत्रित कैले रहनी कि हमरा वचन हारत ही वो स्वयं मुक्त हो जाए। लंकेश, अपना नियति के स्वीकार करी और अब हमके आज्ञा दी। देवी, देवी रुकी। माता, हमने के विनती सुन ली ली। हमने पर आयल सब संकट समाप्त हो गए। ये कैसे हो सकेला? हम कोनो कार्य में असफल ना हो सकेनी। अवश्य हमरा संगे छल भइल बा। हमके पता लगावे के होखी कि वो स्त्री के भेद का रहल। हमार रक्षा और सेवा के उत्तरदायित्व इनकर ही बा। एही से ई हमनी के संगे चली है। हम तो देवी के रक्षक बन, एही से उनकर प्रभु के संकट से बचावे के कर्तव्य हमार ही बा। किंतु हमरा ही समझ नहीं खे आ रहल कि रउआ संगे रहे वाला वो सेवक कहाँ चल गए। पहले रउआ स्नान करके पवित्र होके के होई, ओकरा बाद ही रउआ शिवलिंग के ले सकेनी। छल, भैरव और देवी दुर्गा हमरे संगे मिल के छल कैले बाड़न। कुछ भी हो जाए अब हम देवी दुर्गा के लंका ले जा के ही रहा। देवी, तू हमरा संगे छल कैले बाड़ू। हम तुहार प्रेम जीतल चाहत रहनी, किंतु अब हम तो के बल पूर्वक लंका लेके जाए। हम भी देखता नहीं ए संसार में ऐसन के बा के हम के रोके। रावण, हाथ छोड़ा हमार। स्त्री के अपमान से बड़ा अधर्म है संसार में कुछ भी नहीं खे। धर्म और अधर्म के चिंता उ करेलन जे शक्तिहीन हो खेलान, उ ना करेलन जेकरा पास बल हो खेला। रावण, आज तू अपना बल के अहंकार में एगो स्त्री के संगे दुर्व्यवहार कैले बाड़ा। यही से हम तो के श्राप देत बानी कि तोहा मृत्यु भी एगो स्त्री के कारण ही होखी। यदि जीवित रहे के चाहत वाला तो वहीं से वापस लौट जाए और प्रतीक्षा करा वो समय के जब माता के श्राप तोहार अंत के कारण बने। प्रतीक्षा, अवश्य करब हम प्रतीक्षा, किंतु देवी के श्राप के ना बल्कि वो स्त्री के जौन हमार मृत्यु के कारण बने वाली भी।
हम देवी से तो विवाह कर ना पौनी, परंतु स्त्री से हम अपन विवाह करके रहा। फिर देखा तानी यू हमार मृत्यु के कारण कैसे बने ले। भैरव भैरव, शिव के बिना शक्ति अधूरा हो खेले, यही से अब रउआ हमके उही स्थान पर ले चली जहां रावण शिवलिंग के स्थापित कई ले रहल। अब से हम उहे वास करब। माता, आज रउए कारण हमनी सब नवग्रह अत्याचारी रावण के बंधन से मुक्त हो पाइल बानी। हमनी सब नवग्रह राउर सदा आभारी रह। बैजनाथ, तू सदा इहे वास करबा और हमार रक्षक के रूप में बैजनाथ के नाम से जानल जाइबा। ए प्रकार माता के कृपा से अधर्मी रावण के अहंकार टूटल और माता के ही श्राप से देवी सीता ओकर मृत्यु के कारण बनी।